ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब सिंहपुरा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री स्टाइल व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो दिस इज AJAY। तो भी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो भी पूरे 12 बज चुके हैं। तो भी हम इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हैं, एक पास में ही थोड़ा दूर है, मतलब यहाँ से गाँव, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, फिलहाल साहिल को उठाते हैं उसके घर से, और धूप काफ़ी हो रखी है तो इसलिए कैप ले लेता हूँ और फिर चलते हैं। अनुराग जा चुका है बाहर की तरफ, पेट रखा है इसने क्योंकि धूल काफ़ी हो रखी है आजकल और धूप भी। कैप पहनाता है यार, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हमने साहिल को उसको घर से उठाया और फिर हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी धूप हो रखी थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी थी, और इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए हमें ये रेलवे ट्रैक भी क्रॉस करना पड़ा, क्योंकि जिस तरफ से हमें जाना था वो रास्ता बंद था, वहाँ पर काफ़ी काम चला हुआ था, तो मजबूरी में हमें इस तरफ से आना पड़ा। तो और हम आगे की ओर बढ़े, तो देखिए आगे क्या हुआ। कहीं पहुंच चुके हैं, झूले वगैरह लगे हुए, क्या बात है बच्चों के लिए। मेला भी लगा हुआ है भाई, सभी ने अभी रुमाल बांध लिया है। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब सिंहपुरा, तो वहाँ पे पार्किंग लगा दिया है अनुराग ने। इस तरह में तालाब था, यहाँ पे हम जब आते थे तब नहाते होते थे, तो अभी तो सुखा रखा है इसको, सफाई चली हुई है। ये सामने गुरु घर है, तो ये बाहर की तरफ आ चुके हैं और सचिन कर रहा है शॉपिंग। ठीक था यार, कोई चक्कर नहीं। तो भी यहाँ पे FP और कमल अनुराग खड़े हैं इस तरह में, तो सब कुछ काफ़ी चेंज हो चुका है। अंदर की तरफ भी देख के आए हैं, कौन पहले सेट। तो भी चल रहे वापस घर की तरफ, मत्था टेक लिया है और लंगर वगैरह भी चख लिया है, मेला भी देख लिया है। कभी तो चल रहे हैं, बाइक निकालते हैं और चलते हैं। तो अभी जलने वाली है हमारी, क्या बात है, ओहो गर्म हो गई पूरी। चलो फिर वही टास्क कंप्लीट करना है दोबारा से वापस जाते हुए। कितनी भीड़ लगी हुई है, निकालते हैं अभी, चलो भाई। ऑल सेट, तो गाइस अभी पहुंच गए थे हम घर पे। तो अभी आने के बाद मैं थोड़ा सो गया था, अभी आप देख मेरे बाल देख भी सकते हो कैसे हो गए हैं। तो अनुराग सर पीछे की तरफ, क्या बात है क्या। तो अभी फिलहाल जस्ट उठा हूँ, तो अभी इन्होंने बनाना शेक पिया है, तो मेरा भी रखा हुआ है, तो अभी बनाना शेक पीते हैं। यहाँ पे हैं मम्मी जी, तो बनाना शेक पीते हैं और फिर मुझे एक स्पेशल जगह पे जाना है। कहाँ पे आपको पता ही है कि संडे को मैं खासकर मंदिर में जाता हूँ, तो अभी वहीं पे चलेंगे। तो फिलहाल शेक इन्जॉय करते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं। तो आज काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है आजकल। आपको पता है कि धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से मुझे जुकाम हो गया है, तो आपको वीकनेस भी दिखाई दे रही होगी। तो चलिए अभी चलते हैं, क्या बात है। गाइस अभी पूजा तो कर ली है हमने, तो बाय द वे आज हम सिंहपुरा भी गए थे गुरुद्वारे में, वहाँ पर भी जाके भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आज भक्ति भरा व्लॉग हो गया है बिल्कुल। तो अभी चल रहे हैं, हैप्पी का फोन आ चुका है, तो अभी चलिए चलते हैं। क्यों करेले बड़े लाग रहे? कौन बनाएगा और करेले करता आगे मंडी में गया अमन, तो काल के कर बुट्टो ने बना लिया।
राम राम जी कर राम राम जी सो गाइस उस दिन काफ़ी मज़ा आया, तो बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों के साथ गए थे तो मैं अभी मतलब 4-5 साल के बाद गया था वहाँ पे, तो मैं मतलब इंजॉयमेंट ही कर रहा था, मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाया। तो अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो अच्छे से व्लॉग बनाएंगे मस्त। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।